कोरोना वायरस को लेकर स्वास्थ्य विभाग की मेडिकल स्टोर संचालकों के साथ बैठक। पूरी दुनिया में इस समय चीन सहित कई देशों में कोहराम मचाने वाले खतरनाक कोरोना वायरस ने जनपद बागपत में भी दस्तक दे दी है। हालांकि अभी संदिग्ध मरीज की जांच की जा रही है। कोरोना को लेकर जिले का स्वास्थ्य महकमा पूरी तरह से अलर्ट है। जिला अस्पताल में भी आइसोलेशन वार्ड बनाए गए हैं और रैपिड रिस्पॉन्स टीम को भी सक्रिय किया गया है। एक माह से अधिक समय से कोरोना वायरस की दहशत चारों ओर फैली हुई है। अभी तक प्रदेश में इसकी दस्तक नहीं थी, लेकिन आगरा के बाद अब जनपद बागपत में कोरोना का एक संदिग्ध केस पाया गया है। जिला अस्पताल में 20 बेड का आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है। इस वार्ड से सामान्य रोगियों को दूर रखने की भी व्यवस्था की गई है। डीएम बागपत के निर्देश पर जनपद के मेडिकल स्टोर संचालकों के साथ ड्रग इंस्पेक्टर व सीएचसी अधीक्षक ने बैठक लेकर मामले की जानकारी ली है। ड्रग इंस्पेक्टर वैभव बब्बर ने सभी दवा संचालकों को आवश्यक निर्देश देते हुए मास्क की उपलब्धता के विषय में भी जानकारी ली। मास्क का स्टॉक ब्लैक किए जाने या अधिक दामों पर बेचने पर उन्होंने सख्त कार्यवाही किए जाने की बात कही। वहीं सीएचसी अधीक्षक डॉक्टर विजय कुमार ने लोगों को सचेत एवं जागरूक रहते हुए ना घबराने की भी सलाह दी। सब दिल्ली की सीमा से सटा हुआ जनपद है बागपत। जिस तरीके से कोरोना वायरस पूरे दिल्ली में आसपास इलाकों में फैल रहा है, बागपत में क्या स्वास्थ्य विभाग की तरफ से क्या सक्रियता है? देखिए, स्वास्थ्य विभाग के जो आंकड़े हैं वो तो आपको सीएमओ साहब बता पाएंगे। मैं तो मेडिकल स्टोर से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो आपको जानकारी दे पाऊँगा। फिलहाल जो मेडिकल स्टोर पे अभी ये मास्क के लिए और सैनिटाइज़र के लिए जो शिकायत आ रही थी कि मास्क जो हैं वो शॉर्टेज हो गए हैं, सैनिटाइजर हो गए हैं, तो ये फ़र्क पड़ा है क्योंकि लोगों में थोड़ा पैनिक है कि वो मास्क लेके अपने पास रख लें। बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये हो गया कि हमने अभी आके यहाँ पे जागरूक किया है, लोगों को ये बताया गया कि जो मास्क और डिसइंफेक्टेंट्स हैं वो जो इन्फेक्टेड आदमियों हैं, जो पेशेंट्स हैं उनके लिए चाहिए, और जो डॉक्टर्स हैं उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। अभी फ़िलहाल ऐसी कोई बात नहीं है जिसमें मास्क और सैनिटाइज़र को हर एक व्यक्ति को ज़रूरत पड़े। इसके लिए जो है एसोसिएशन ड्रगिस्ट केमिस्ट एसोसिएशन जो है पड़ोस की, उनके साथ हमने ये जागरूकता अभियान चलाया है जिसमें लोगों को इकट्ठा करके और लोगों को बताया गया कि इसमें भी मास्क की इतनी खास जरूरत नहीं है। मेडिकल स्टोर संचालकों को क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं? मेडिकल स्टोर संचालकों को एसोसिएशन के माध्यम से और डायरेक्ट उनको ये बताया गया कि कोई भी अपने मेडिकल स्टोर से कोई भी मास्क और सैनिटाइजर का इलीगल स्टॉक ना करें। अगर इलीगल स्टॉक करेंगे तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। कोरोना वायरस से बचने के लिए सर क्या क्या उपाय हैं जो बताया जा रहा है? कोरोना वायरस को हम अगर एक पर्टिकुलर वायरस की और बीमारी के तौर पे लेंगे तो ठीक नहीं रहेगा। हमें तो एक आम जो बीमारी है जैसे कॉमन कोल्ड है उसको भी अगर हम इसमें शामिल कर लें तो दोनों ही बीमारियों को हमें सिर्फ और सिर्फ प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर का जो फॉर्मूला है उसको अपनाना है ताकि हमारे जो आगे बीमारियां वो कम हो सके। कोई इस तरह की दवाई वगैरह भी आई है? कोरोना फिलहाल कोई दवाई नहीं है इसमें, सिर्फ अगर फीवर है तो पैरासीटामोल चलता है और कोई इसमें कोई ऐसी खास दवाई नहीं है जो कोरोना वायरस के लिए स्पेशली बनाई है। डॉक्टर साहब, मास्क ब्लैक में बेचा जा रहा है मेडिकल स्टोर से, ये जिस जो जानकारी मिली है मुझे भी मिली है जानकारी मेडिकल स्टोर पे ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, इसी के चलते मैं यहाँ पर आया हूँ। लेकिन यहाँ से जानकारी ये प्राप्त हुई है कि पीछे से मास्क आ ही नहीं रहे हैं, तो जो मास्क अवेलेबल हैं वो पीछे से जो जिस कॉस्ट पे लेके आ रहे हैं उनको लैंडिंग कॉस्ट अगर 15 रुपये की है तो वो 20 रुपये का बेच रहे हैं। इसके लिए भी एडवाइजरी उनको जारी की गई है कि कोई भी मास्क अगर उनके पास नहीं है तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि ला के देना ही है, अगर अवेलेबल नहीं है तो कोई ऐसी खास ज़रूरत नहीं है। जो पहले हमें जो सफिशेंट क्वान्टिटीज़ में डॉक्टर्स को और जो इन्फेक्टेड पेशेंट्स हैं उनको देने के लिए हमारी प्राथमिकता रहेगी, उसी पर हमने काम किया। थैंक यू। जब कोरोना वायरस चल रहा है सभी जगह मरीज आ रहे हैं, बागपत में बड़ोत में क्या स्थिति है? देखिए, हमारे यहाँ अभी तक ऐसी कोई पेशेंट की खासकर इससे रिलेटेड कोई पेशेंट अभी तक नहीं आया है। जो जनरल पेशेंट हैं जैसे खांसी जुकाम बुखार के, वो रूटीन है, वो काफ़ी समय से नॉर्मल चल रहा है, जो वायरल होते हैं उसी के अनुसार ही आ रहे हैं। अगर ऐसा कोई पेशेंट हमारे पास आता भी है तो उसके लिए जिला अस्पताल में 10 बेड सुरक्षित रखे गए हैं आइसोलेशन वार्ड के लिए, और अगर ऐसे कोई पेशेंट आता है तो उसे हम तुरंत ही वहाँ रेफर करवाते हैं और वहाँ से एक ही सैंपल की व्यवस्था की गई है। सीएससी बड़ौत पर क्या खास इंतजाम किए गए? सीएससी बड़ौत पर स्पेशली ऐसा कोई हमें आदेश नहीं मिले हैं कि अलग से कोई आइसोलेशन वार्ड बना के रखना, क्योंकि इसकी पूरी प्रॉपर किट होती है जो कि सभी जगह रखना पॉसिबल नहीं हो पाता है। इसके लिए हमारी वीसी में हमें बताया गया था कि जिला अस्पताल में ही 10 बेड अभी रखे गए हैं, अगर पेशेंट नंबर ऑफ पेशेंट अगर बढ़ते हैं तो उस हिसाब से आगे संख्या बढ़ा दी जाएगी।